बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इब्तदा करती हूँ अपने अल्लाह ताला के नाम के साथ। मेरी जानिब से तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज मैं आपको मर्दाना ताकत के लिए और टाइमिंग के लिए बड़ा आसान नुस्खा बताऊँगी। इस नुस्खे के तमाम अज़ा आपके सामने मौजूद हैं। ये तमाम अज़ा तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। बड़े कम पैसों के अंदर ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। आप इसको सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 3 दिन के बाद आपकी मर्दाना ताकत और टाइमिंग आपकी तवक्को से ज़्यादा हो जाएगी। अक्सर मियां बीवी की शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी गमगीन होती है। अक्सर बीवियां अपने शोहर के साथ नाखुश रहती हैं क्योंकि इनके शोहरों में कुव्वत बा बहुत कम होती है। चंद दिन पहले मुझे एक खातून के कमेंट्स करके बताया है कि वो अपने खावंद के साथ खुश नहीं है क्योंकि इनके शोहर की टाइमिंग ना होने के बराबर है। उनका कहना था कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, इसके लिए आप मुझे कोई नुस्खा बताएं। इस तरह के कई लोग हैं जो बेरौनक शादीशुदा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे तमाम अफराद के लिए एक ख़ास घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। इस नुस्खे के अज़ा आप नोट कर लें। ये गुड़ है, ये कलवंजी है, ये खशखाश है और ये स्याह तिल है। इसको तैयार करने का तरीकाकार ये है कि एक दरमियाने साइज़ का गुड़ लें, आधा चम्मच कलवंजी लें और एक चम्मच खशखाश और 2 चम्मच आपने स्याह तिल लेने हैं। इन सबको बारीक कर लें। बारीक करने के बाद इसको किसी शीशे के बर्तन जैसे कोई बोतल या जार वगैरह में महफूज कर लें। आपने आधी चम्मच रोज़ाना दूध के साथ खानी है। आप इसे सुबह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शाम को भी, जब भी आप चाहें इस्तेमाल कर लें, मगर दिन में एक बार ही इस्तेमाल करें। रात का खाना जल्दी खाया करें और खाने के बाद चहलकदमी ज़रूर किया करें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।